नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी, आप देख रहे हैं इस समय पत्रिका टीवी। हम बने हुए हैं सबसे बड़ी खबर पर, दिल्ली के दावेदार। आखिर इन 7 सीटों से किनका खाता खुलेगा, किसके हिस्से में आएगी दिल्ली की सीट और कौन रह जाएगा भोपाल के रास्ते में आधे रास्ते चलते हुए। कुल मिलाकर के हम इस खबर पर बने हुए हैं। हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि आखिर अब तक वोट परसेंटेज क्या है, क्या कह रहा है मध्य प्रदेश का मतदाता, आखिर कितना वोट परसेंटेज अब तक हो चुका है। हम आपको बता दें, कुल 7 सीटों पर जो मतदान हुआ है उसमें 2009 में 48% था, जो बढ़कर 2019 में करीब 63% हो गया है। और माना जा रहा है कि अभी यह आंकड़ा व्यवस्थित होते होते संभव है कि 65% तक छू जाएगा। पिछले बार से लगभग 7 से 8% ज्यादा है। टीकमगढ़ अगर सीट की बात करें तो 2009 में 43%, 2014 50% और अब 62%, तकरीबन 12% की सीधी बढ़त लेते हुए नजर आ रहा है। अगर हम आगे की और दूसरी सीटों पर बात करें, दमोह की बात करें, तो 2009 में 44% करीब वोट थे, इस बार 2014 में 55% पहुंचे और 2019 में करीब 66% वोट परसेंटेज आ रहा है। खजुराहो सीट की बात करें तो 2009 में 43% था, जो 2014 में बढ़कर 51% हुआ, 2019 में ये करीब 60% हो चुका है। माना जा रहा है कि अब इसके और बढ़ने की उम्मीद है। सतना सीट की बात करें तो 54% से बढ़कर 2014 में 62% हुआ, लेकिन इस बार कुछ वोट का आंकड़ा उलझता नजर आ रहा है, 60% पर गाड़ी अटकी हुई है। रीवा सीट की बात करें तो 2009 में करीब 48% था, जो 2014 में 53% हुआ, 2019 में बढ़कर 55.23%, माना जा रहा है 56% या 57% के आसपास जा सकता है। होशंगाबाद की बात करें तो 54% 2009 में, करीब 65% 2014 में, 2019 में 68% के आंकड़े को पार कर चुका है। बैतूल की बात करें तो 49% 2009 में करीब, 2014 में करीब 65%, 2019 में बढ़कर करीब 72% निकल चुका है मतदान का आंकड़ा। अगर हम 2014 की सीटों की बात करें, 2014 में 29 सीटें कुल, उनमें भाजपा 27, कांग्रेस 2 सीटों पर जीती थी। दो हजार नौ की बात करें तो 29 सीटों में बीजेपी के हिस्से में 16 सीटें आई थी, कांग्रेस के पास 12, अन्य के तौर पर 1 सीट बसपा के खाते में आई थी। 2014 की बात करें अगर इन 7 सीटों की, तो इन 7 सीटों पर भाजपा ने खाता खोला था, कांग्रेस का खाता भी इन सीटों पर नहीं खोला था, 7 सीटें भाजपा के हिस्से की है। 2009 की बात करें तो भाजपा 5 सीटें जीत पाई थी, एक कांग्रेस, एक अन्य के खाते में गई थी। हम आपको बता दें कि जो मुकाबले में है, अगर टीकमगढ़ सीट की बात करें तो वीरेन कटीक के मुकाबले किरण अहिरवार हैं। किरण अहिरवार पहली बार चुनाव मैदान में हैं, कांग्रेस के टिकट पर हैं। वीरेन कटीक जबकि टीकमगढ़ सीट से तीसरी बार मैदान में हैं। प्रहलाद पटेल दमोह सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं, प्रताप सिंह लोधी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। प्रताप सिंह लोधी पूर्व विधायक हैं, प्रहलाद सिंह पटेल 2 बार से इसी सीट से विधायक सांसद हैं, एक बार फिर से मैदान में हैं। प्रताप सिंह लोधी जबेरा से चुनाव हार गए थे। खजुराहो सीट की बात करें तो दोनों प्रत्याशी नए हैं, विष्णुदत्त शर्मा भाजपा से और कविता सिंह कांग्रेस से। कविता सिंह के पति विक्रम सिंह नाती राजा इस समय राजनगर सीट से विधायक हैं। सतना सीट की बात करें तो गणेश सिंह एक बार फिर से मैदान में, भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद हैं, एक बार फिर से मैदान में हैं। उनके सामने राजाराम त्रिपाठी कांग्रेस से मुकाबले में है। मुकाबला बड़ा कड़ा है और यहीं पर वोट परसेंटेज बढ़ने के बजाय घटता हुआ नजर आ रहा है। रीवा सीट की बात करें तो यह मुकाबला 3 लोगों के बीच में है, जनार्दन मिश्रा भाजपा, सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस, विकास पटेल बसपा से मैदान में। होशंगाबाद सीट की बात करें तो रावदेव प्रताप एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, भाजपा के टिकट पर वर्तमान में सांसद हैं। उनके मुकाबले शैलेंद्र दीवान कांग्रेस से मैदान में हैं। शैलेंद्र दीवान पहला चुनाव लड़ रहे हैं होशंगाबाद से। बैतूल सीट पर दुर्गादास उइके भाजपा से, रामू टेकाम कांग्रेस से मुकाबले में है। दोनों पहला चुनाव अपना
इस सीट पर लड़ रहे हैं, दोनों नए चेहरे हैं और मुकाबले में कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज बहुत तेजी से ऊपर जाते हुए दिख रहा है। तो सबसे पहले आलोक जी, सवाल यहीं से शुरू होता है कि दोनों प्रत्याशी नए हैं, बावजूद इसके वोट परसेंटेज को ज्यादा होता नजर नहीं आ रहा है बैतूल में। मतलब आप स्पेशली बैतूल से बात शुरू कर रहे हैं जी, मैं उम्मीद कर रहा था कि आप शायद सातों सीटों की बात करेंगे, लेकिन अगर आप बैतूल की जैसे बात कर रहे हैं और जिस तरीके का पोलिंग परसेंटेज वहाँ है, वहाँ पोलिंग परसेंटेज में अच्छा इजाफा हुआ है और 65% पोल जो है वहाँ हुआ था 2014 में और अभी 72%, यानी कि 7% के लगभग, बल्कि मैं कहूँ कि 7 से कुछ ज़्यादा ही है, 7.5% के लगभग वहाँ पर पोल परसेंट इंक्रीज़ हुआ है। देखिए, एक बात तो है कि ये बात तो है कि अभी अब मध्य प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान हो चुका है और 13 में से 12 सीटें ऐसी हैं जिन पे पोलिंग परसेंटेज 2014 के मुकाबले इंक्रीज़ हुआ है, सिर्फ एक सतना में डाउन आया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, सतना को जानना जो मैं चाहूँगा कि आप आगे उस पर बात करेंगे। तो ये एक कॉमन फैक्टर है बाकी 12 सीटों पे कि पोल परसेंटेज बढ़ा है, और पोल परसेंटेज की अगर हम बात करें तो अमूमन 10% के आसपास तो सभी जगह बढ़ा है जो अब। लेकिन अब ये देखना होगा कि फर्स्ट फेज में जो 6 सीटें थी उन 6 सीटों पर लगभग 10% का एवरेज पोल परसेंट इंक्रीज़ हुआ था, और इधर हम बात करें तो 6% का इंक्रीज़ हुआ है, वो नुकसान सतना के कारण, और रीवा में भी मेरे ख्याल से 1-2% का इंक्रीज़ हुआ है। तो ये बात है। अब ये जो बैतूल में जो पोल परसेंटेज बढ़ा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि 7% के लगभग यहाँ पर बढ़ा है और दोनों ही नए चेहरे हैं, और इसमें ये देखना होगा कि DDUE के जो हैं वो टीचर थे पेशे से और संघ से जुड़े हुए थे और उन्होंने काफ़ी अभियान वहाँ पर सामाजिक चलाए हैं, और उसके बाद में 6 महीना पहले नौकरी छोड़कर वो राजनीति में आए हैं और BJP ने उनको टिकट दिया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ज्योति शाह जो यहाँ से सिटिंग सांसद है, चूँकि उनका कास्ट सर्टिफिकेट का इशू था इसलिए उनका टिकट काटा गया था। रामू टेकाम युवा चेहरा है और वो युवक यूथ कांग्रेस के ज्योति ध्रुवे और रामू टेकाम युवा चेहरा है और यूथ कांग्रेस से वो वहाँ पर एक्टिव है। तो अब ये जो पोल परसेंट बढ़ा है इसमें जो जनरल जो टेंडेंसी निकल कर आ रही है वो मोदी की बात मानी जा रही है कि एक मोदी का वेव क्रिएट हुआ है और उसके कारण पोल परसेंट बढ़ा है। दूसरी बात जो मुझे यहाँ लगती है कि रामू टेकाम अगर युवा हैं और वो युवा को कितना वोट निकाल कर लेकर आ पाए हैं बूथ तक, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इसलिए जो 7% बढ़ा है वो किसके खाते में जा रहा है ये देखना होगा कि किसके खाते में जा रहा है। कुल मिलाकर के जो चुनाव का ट्रेंड देखें, हम अगर पहले की 6 सीटें देखें और 6 से बढ़ते बढ़ते हम दूसरी गणित सीटों पर आएँ, ये सीटें अमूमन पिछले बार के देखें और उससे पिछले 2009 का भी आंकड़ा हम देखें, वोट परसेंटेज बहुत ही कम रहता है। सुबह भी जिस हिसाब से धीमा पोल शुरू हुआ था, माना जा रहा था कि ये 60-62 के आसपास रुक जाएगा, लेकिन हम ओवरऑल पोल की बात करें तो ओवरऑल पोल जो गया है वो अभी तक तकरीबन 63% को पार कर चुका है। माना जा रहा है कि ये आंकड़ा जुड़ते जुड़ते 65 के पार होगा, जो अगर पिछली बार से अगर हम तुलना करें तो पिछली बार 57.74% था, करीब 58% हम मान लेते हैं, तो 58% के मुकाबले ये बढ़कर 64% तो हो चुका है, 65% के आसपास जा रहा है। तकरीबन 6-7% की ग्रोथ जो दिखाई दे रही है, ये ग्रोथ किस तरह से देखते हैं? जैसे आज हम बात कर रहे थे तो कहा जा रहा है कि ये ग्रोथ बीजेपी के पक्ष में, तो दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट जो सही हो गई है उसकी वजह से, एक्चुअल वोटर की वजह से आ रहा है। देखिए, एक बात तो है, आप अगर 2009 से ही ट्रेंड देखेंगे तो ग्रेजुअली पोलिंग ट्रेंड मध्य प्रदेश में बढ़ा है। आप लोकसभा के चुनाव में 2009 में पूरे अगर हम देखें तो इन्हीं सीटों पर 48% था और 2014 में 57 गया और अभी हम जैसे देख रहे हैं कि 63.72 के कुछ टच कर गया, यानी 64 और जैसे अंदाज है कि 65 के आसपास पहुंच जाएगा। तो एक बात तो है कि लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता आई है, और हमेशा ये ट्रेंड रहता है कि विधानसभा में अच्छा पोल होता है, लोकसभा में कम मतदान होता है, क्योंकि लोकसभा बड़ा संसदीय क्षेत्र होता है और पार्टी और कैंडिडेट उस हिसाब से एक्सरसाइज नहीं कर पाते वोटर को निकालने के लिए, तो और गर्मी के कारण भी एक फैक्टर आता है।
लेकिन फिर भी बहुत अच्छा पोलिंग परसेंटेज है। अगर ये जाएगा 65 के आसपास तो ठीक है, लेकिन अब आप ये देखिए कि महाकौशल की जिन सीटों पर और विंध की जिन दो सीटों पर हुआ था वहाँ 74-88 यानी लगभग 75 के लगभग वहाँ पर गया था, और फिर भी इन सीटों में हम देखें तो 10% उन 6 सीटों के मुकाबले इन सीटों पे 10% कम पोल हो रहा है। ऑलमोस्ट ट्रेंड अगर हम 2014 की भी बात करें तो 2014 में उन 6 सीटों पे जहाँ पर 64% से बढ़ के अभी 74 हुआ और यहाँ पर 57 से बढ़कर, तो पोलिंग परसेंटेज तो बढ़ रहा है लेकिन अगर हम उसको अंचलवार अगर हम उसको देखें तो शिफ्ट जैसे होता है तो उसकी शिफ्टिंग बिल्कुल समझ में आ रही कि वो बढ़ तो रहा है लेकिन उसी रेशियो में बढ़ रहा है, अंचलों में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक बात और बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस पोलिंग परसेंटेज के बढ़ने में, मतलब जो आज की जो 7 सीटों की बात करें इसमें हम देखते हैं कि 3 सीटें बुंदेलखंड की थी, 2 मध्य की थी और 2 विंध की थी। तो विंध में बहुत ही निराशात्मक तरीके से पोलिंग परसेंटेज नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा कोई नहीं है। एक तो आप बता रहे हैं जो कि सतना में तो 2% का गिरावट हुआ है, ये एक बड़ा मतलब एक स्टडी करने वाला फैक्ट होगा। दूसरी बात क्योंकि गणेश सिंह वहां से लगातार 3 बार और एक एक बात और ये भी आ रही थी, गणेश सिंह को बहुत विरोध चल रहा है गणेश सिंह को लेकर के कहीं ना कहीं, और कई तरह की बातें उठ रही, तो मुझे लगता है कि एक निराशा का भाव जो या तो भाजपा के वोटर में रहा है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि भाजपा का जो वोटर है या तो वो नहीं निकला है, क्योंकि 2% डाउन होना, क्योंकि आप अगर हम पहला चरण भी देखें उसके बाद दूसरे चरण में अकेली एक अकेली सीट है जिस पर वोट परसेंटेज कम हो रहा है, तो ये सवाल तो खड़े कर रहा है पूरे पर। देखिए बिल्कुल, जो फर्स्ट फेज में जो विंध की एक सीट गई थी सीधी उसमें भी पोल परसेंट बहुत अच्छा नहीं था, और यहाँ देख लीजिए रीवा सतना, मतलब विंध में मतदाता ने बहुत अच्छा उत्साह नहीं दिखाया पहली बात। अब इसको आप सोचेंगे कि विधानसभा चुनाव से अगर हम कनेक्ट करेंगे तो विधानसभा चुनाव में विंध में बीजेपी को बहुत ही बम्पर सीट्स मिली है, और विंध का एक नेचर रहा है कि वो कंट्रास्ट रिजल्ट देता है, यानी कि उसकी जो टेंडेंसी है वहाँ के वोटर की वो बहुत कंट्रास्ट है, मतलब एक बार कुछ कहेगा फिर दूसरी बात उसके ठीक उलट वो जवाब दे सकता है। तो और दूसरी बात जो आप बता रहे हैं वो कि सतना में जो गणेश सिंह है जो 3 बार के सांसद है और चौथी बार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उनके प्रति काफ़ी विरोध था, और वहाँ के जो पूर्व विधायक जो इस बार चुनाव हारे शंकरलाल तिवारी सतना प्रॉपर से वो उनका खुलकर विरोध कर रहे थे, इसके अलावा दूसरे नेता भी थे, तो एक विरोध उनको झेलना पड़ा है। तो ये हो सकता है कि बीजेपी का वोटर वहाँ नहीं निकला हो और उसके कारण ये वहाँ पोल डाउन हुआ है, तो यहाँ पर मुझे मुश्किल नज़र आ रही है। दूसरी बात रीवा में 53 से बढ़कर 55 हुआ, यानी कि 2% का ही इजाफा हुआ है, कोई ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ और 55% कुल पोल हुआ है। दूसरी बात वहाँ पर ट्रायंगुलर है और उस ट्रायंगुलर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ब्राह्मण कैंडिडेट है और बसपा ने वहाँ पटेल कैंडिडेट को उतारा है। आपको ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि वहाँ पटेल कम्युनिटी बहुत ही डोमिनेंट है और उसका वोट शेयर बहुत बड़ा है, लगभग 30% के लगभग वोट शेयर वो टोटल वोट में करती है और उसका पोल अच्छा होता है पटेल कम्युनिटी का। तो ये और आपको एक बात और जानना होगी कि 2009 में रीवा से बसपा के ही सांसद थे, हाँ, तो इसलिए अब यहाँ पर बड़ा अप्रत्याशित परिणाम आ सकता है, यानी विंध की तीनों सीटें यानी 2 जो आज जिनमें हुआ सतना रीवा और सीधी में चूंकि अजय सिंह ने जिस तरीके से कड़ी टक्कर दी है और वहाँ पे भी पोल कम हुआ है और वहाँ पर भी सिटिंग एमपी के खिलाफ एक आक्रोश था, तो अगर हम तीनों विंध की सीटें बात करें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी को मुश्किल मतलब होगी और रिजल्ट जो भी आएगा वो 10-5 हज़ार के अंतर में आएगा। बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। आलोक जी एक अपन बात की, जब हम लोग बात कर रहे थे शुरुआत में कि ये इलाका बीजेपी के प्रो गया था, अगर हम आंकड़े देखते हैं, जब आंकड़े जो हमारे सामने हैं, हम अगर विधानसभा चुनाव की बात करें 2018 के जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि टोटल यहां पर 55 सीटें हैं, इन 7 सीटों पर 55 विधानसभा सीटें हैं जिनमें 18 कांग्रेस के खाते में हैं, बीजेपी के पास 35, अन्य के पास 2 सीटें हैं जिसमें एक सपा के पास है और एक निर्दलीय के पास है, पथरिया सीट बसपा के पास है, माफ करिएगा राजनगर के पास वाली सीट, छतरपुर की एक सीट है वो समाजवादी पार्टी के पास है। तो अगर हम 2013 के आंकड़ों पर जाएं लगभग वही आंकड़े हैं, 17 सीटें कांग्रेस के पास हैं, बीजेपी के पास 36 है, अन्य के पास 2 है। बीजेपी को सिर्फ एक सीट, एक विधानसभा सीट का नुकसान हुआ, अन्य बरकरार है,
कांग्रेस को एक सीट का फायदा हुआ। तो लगता है कि भाई सातों सीटें जब भाजपा के पास थी तो विधानसभा चुनाव में जो नंबर गेम है उसका कोई फर्क होता दिखाई दे रहा है आपको कि ये लोकसभा चुनाव में उसका फर्क दिखेगा? देखिए ये जो हमारे पास जो हम जो फिगर जिनकी बात कर रहे हैं इन सात सीटों पर, ये जाहिर है कि इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आ रहा है। और कांग्रेस को 17 से 18 ही सीट हुई है और बीजेपी की सीट 36 से 35 हुई है। लेकिन इसको अगर हम जब हम देखेंगे कि ये अंचल के हिसाब से कैसे इसमें ट्रेंड में चेंज आया है, तो ये जिस तरीके से शिफ्ट हुआ है, मतलब बीजेपी का जो वोट शिफ्ट होकर विंध की तरफ गया है, बीजेपी की सीट्स जो बड़ी हैं 2018 में विधानसभा में, वो विधानसभा में विंध के अंचल में ज़्यादा बड़ी, यानी रीवा और सतना, ये जो दो सीटें हम इन सात सीटों में शामिल कर रहे हैं उनमें सीटों में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है उसके मुकाबले में मध्य में और बुंदेलखंड की, यानी बुंदेलखंड की जो तीन सीटें खजुराहो, टीकमगढ़ और दमोह, इनमें नुकसान हुआ है बीजेपी को। अब हमको वोटर का जो मैंने जो कहा कि माइंडसेट भी समझना होगा, और मैंने जो बात आप समझ रहे हैं कि विंध का वोटर हमेशा विपरीत परिणाम देने वाला रहा है, आप इसको देखिए, आप 2009 में बसपा, फिर 2014 में बीजेपी, अब 18 की बात है। अब आप देखिए कि जब पूरा प्रदेश बीजेपी को वोट दे रहा था 2013 में विधानसभा के चुनाव में, तो यहाँ पर कांग्रेस के ठीक ठाक नंबर आ गए थे, और जब 2018 के विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने ठीक ठाक परफॉर्म किया तो यहाँ बीजेपी पूरी की पूरी सीटें ले गई। मतलब रीवा में तो ये हुआ कि रीवा की जो लोकसभा है उसकी 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 का 8 बीजेपी के पास में है। तो इसलिए अब ये देखना बड़ा रोचक होगा कि इन ये जो परिणाम आएंगे इन विंध की इन तीनों सीटों पर, और ख़ासकर आज की दो सीटें हैं उन पर क्या परिणाम आते हैं, क्योंकि पोलिंग भी बहुत अच्छी नहीं हुई है और कम हुई है, तो कम होने का भी एक फैक्टर यहां पर काम करेगा। आलोक जी, आपने बात सही कि हवा के विपरीत बहता है यहाँ का पानी, यहाँ की हवा बिल्कुल अलग चलती है। विधानसभा चुनावों में तो ये अंतर दिखाई देता है, लेकिन हम लोकसभा को अगर लगातार हम देखते आएँ तो लोकसभा में बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं देता। 2014 की बात करें, 2014 में ये यहाँ की सारी सीटों को बीजेपी ने जीता। एक ये भी कह सकते हैं कि मोदी लहर थी, मोदी करंट था, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। 29 में से 27 सीटें जीतने में कामयाब रही। इस जो ये दूसरे फेज की सातों सीटें, ये सातों सीटें बीजेपी के खाते की हैं। आपको लग रहा है कि क्या वाकई में मोदी वेव अभी भी इन सीटों पर थी, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि यहाँ मोदी वेव है और मोदी वेव के सहारे ही हम आगे चल रहे हैं? एक बुंदेलखंड में तो कहावत चल रही है कि हम दूल्हा नहीं देख रहे हैं, दूल्हे के बाप को देख रहे हैं, और उसी के नाम पर पूरा ब्याह हो रहा है। मतलब दूल्हे का ब्याह दूल्हे के बाप के आधार पर हो रहा है, यानी वोट मोदी जी के नाम पर मिल रहा है, प्रत्याशियों के नाम पर नहीं। देखिए ये बात तो जाहिर है कि 2014 में नरेंद्र मोदी की आंधी थी, अभी आंधी जैसा तो प्रतीत नहीं होता है। मतलब जो वोकल वोटर होता है, मतलब जो मुंह से बोलने वाली बात होती है वो उतनी ज़्यादा निकल कर नहीं आती। लेकिन ये बात भी है कि अंडर करंट जरूर है, क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूती के साथ में इस चुनाव नहीं लड़ पाया है, और जिस तरीके से बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी होती है और सोशल मीडिया से लेकर, और वो जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा क्रिएशन जो उनका होता है नरेंद्र मोदी को लेकर, उनकी छवि के निर्माण को लेकर, और फिर 5 साल का कामकाज, और इस बीच में जो सेना का सर्जिकल स्ट्राइक और तमाम इशू साथ में जुड़ गए, तो आंधी तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन अंडर करंट जरूर है, और उस अंडर करंट से बीजेपी को फ़ायदा होगा। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी यहाँ पर 2014 में 27 सीटें लेके आई थी 29 में से। दो सीटों को तो हम छोड़ ही दें, ज्योतिराय सिंधिया और कमलनाथ के घर की सीटें हैं तो उनको हम छोड़ दें, अब बाकी बचती है 27 में से बाई इलेक्शन में एक सीट कांतिलाल भूरिया और लेकर चले गए। अभी भी बीजेपी, मैं ये मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में अपने सर्वोत्कृष्ट पर है, मतलब मैक्सिमम पर है, उससे ऊपर वो जाने की स्थिति में नहीं है, उसके नीचे ही आ सकती है। यानी 27 के ऊपर जाना असंभव है बीजेपी के लिए, तो 27 या तो वो 27 पर रहेगी या 27 से वो नीचे आएगी। तो अगर हम बात करते हैं कि अंडर करंट है तो फिर वो 27 पर बनी रहेगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि डाउन आएगा, कितना डाउन आएगा ये देखना जरूरी होगा। आज का जो 7 सीटों का हुआ है इसमें मुझे लग रहा है कि सतना में मुझे बहुत संशय की स्थिति अब नज़र आने लगी कि सतना बीजेपी के हाथ से जाती हुई नज़र आ रही है। और जो 6 सीटों पर हुआ है उसमें से छिंदवाड़ा तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस के पास रहेगी, एक आधी सीट और जा सकती। तो अगर हम 13 सीटों की बात करें तो हो सकता है कि 13 में से 3 सीटें कांग्रेस अपने हाथ में लेकर आए और बाकी 10 सीटें बीजेपी के पास जाए।
बीजेपी के पास जाए। अगर हम अंचलवार चलते हैं, बुंदेलखंड की तरफ चलते हैं, बुंदेलखंड की 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है। बुंदेलखंड में कुल 4 सीटें हैं मध्य प्रदेश के इलाके में, जिसमें दमोह में चुनाव है, खजुराहो में चुनाव है, टीकमगढ़ में चुनाव है। टीकमगढ़ पिछले 2009 में पहली बार अस्तित्व में आई, 1972 में सीट खत्म हो गई थी, भाजपा लगातार वहां पर जीत रही है। दमोह की बात करें तो पिछले 30 साल से वहां पर भाजपा जीत रही है। हम अगर खजुराहो की बात करते हैं, खजुराहो में पिछले 30 साल में सिर्फ एक बार सत्यव्रत चतुर्वेदी चुनाव वहां पर जीते हैं कांग्रेस की तरफ से, बाकी भाजपा वहां से चुनाव जीती रही। उमा भारती 4 बार वहां से सांसद रही है, और वो एक क्रम चला था कि 4 बार उमा भारती वहां से रही, तो उस समय ही रामकृष्ण कुशमरिया दमोह से 4 बार सांसद रही। ये बुंदेलखंड का एक अलग मिजाज है कि बुंदेलखंड जिसके साथ चलता है तो पूरी तरह साथ चलता है। अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वहां पर, जिस तरह से भितरघात की बातें हो रही हैं, जिस तरह से वहां विरोध की बातें आई, भाई अगर हम बात करें आरडी प्रजापति टीकमगढ़ में मोर्चा संभाल रहे, सपा के उम्मीदवार हैं, भाजपा के चंदला से विधायक होते थे, उनके बेटे इस समय चंदला से विधायक हैं, उन्होंने मोर्चाबंदी की और विरोध भी किया था कि वीरेन खटीक को टिकट नहीं मिलना चाहिए। बीडी शर्मा के विरोध में वहां पर अलग एक मोर्चा खुल गया, वहां पर पोद्दार जो पूर्व विधायक हैं भाजपा के, वो चुनाव मैदान में आ गए। हम दमोह में बात करें तो दमोह में सीधे सीधे रामकृष्ण कुशमारिया तो विधानसभा चुनाव के पहले ही चले गए थे, उसके बाद जयंत मलैया जो पूर्व मंत्री है वो विरोध कर रहे थे प्रहलाद पटेल का। हम गोपाल भार्गव की बात करें, नेता प्रतिपक्ष है, वो विरोध कर रहे थे। उसके अलावा जो बाकी जो लोग जो हारे हैं चुनाव में वहां पर, वो सारे लोग प्रहलाद पटेल का विरोध कर रहे थे। अब सवाल ये है कि बुंदेलखंड में जो विरोध बीजेपी को झेलना पड़ रहा है, क्या कांग्रेस के भीतर भी ऐसे ही विरोध है? देखिए, एक चीज तो है आप जो बता रहे हैं, एक तो इंटरेस्टिंग फैक्टर में ये देख रहा था कि तीनों सीटों पे 11% के लगभग पोल इंक्रीज हुआ है 2014 की तुलना में, यानी कि वोट बढ़ा है। और 11% वोट बढ़ना मतलब कि मुझे लगता है कि हर लोकसभा में ये 1.5 लाख वोट तो ज्यादा पड़ा है 2014 की तुलना में। अब ये 1.5 लाख वोट किधर गया, ये देखना बहुत जरूरी होगा। मतलब पिछली बार के, अगर ये 1.5 लाख वोट प्योर मोदी वोट है तो फिर तो कोई रोकने की स्थिति में नहीं है तीनों सीटों पे बीजेपी को। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये भी है कि तीनों ही सीटें ऐसी है जो कि जो बीजेपी को सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में जहाँ विरोध देखना पड़ा, वो बुंदेलखंड ही ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी को सबसे ज़्यादा टिकट वितरण के बाद असंतोष का सामना करना पड़ा। और दो सीट तो जो आज जिन पे पोल हुआ, खजुराहो और टीकमगढ़, वहाँ टीकमगढ़ दोनों में तो रेबेल उतर गए। मतलब एक जगह तो आपके बागी हैं और एक जगह समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही। तो ये भी देखना होगा कि गिरिराज किशोर पोद्दार कितना वोट लेके जाते हैं। पहला, अगर मैं खजुराहो से बात शुरू करता हूँ तो गिरिराज किशोर पोद्दार कितना वोट काटेंगे, उसको आप अलग करिए। उसके बाद आप ये देखिए कि वीडी शर्मा का बाहरी होना फैक्टर कितना काम करेगा, ये आपको देखना होगा। और तीसरी बात लेकिन कि ब्राह्मण वोटर होने, ब्राह्मण कैंडिडेट होने का वो कितना लाभ उठा पाएंगे। अब कांग्रेस ने यहाँ पर कविता सिंह को उतारा है, और कविता सिंह चूंकि दोनों तरफ मतलब 3 जिले इस लोकसभा में आते हैं, उसमें से 2 जिलों में कविता सिंह की रिश्तेदारी है। मतलब छतरपुर राजनगर की वो राज परिवार की वो बहू है तो वहाँ उनका होल्ड है, और पन्ना राज परिवार से वो बेटी है तो पन्ना जिले को भी वो कवर कर रही है। तो ये एक तो बात ये हो गई कि अब, और नाती राजा का अपना खुद का एक वजूद है। तो अब ये देखना होगा कि यहाँ पर, और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कांग्रेस में ऐसा कोई इंटरनल डिस्प्यूट हुए हों बहुत ज़्यादा, ऐसा छोटे मोटे हुए होंगे लेकिन सरफेस पे बहुत बड़ी कोई चीज़ बात निकल कर नहीं आती। लेकिन फिर भी खजुराहो सीट बीजेपी की गढ़ माने जाने वाली सीटों में है, और बड़े बड़े नेताओं की रुचि, आपको जानकारी होगी कि उमा भारती की हार्दिक इच्छा थी कि वो खजुराहो से चुनाव लड़ें। इसके अलावा प्रभात झा की भी इच्छा थी कि उन्हें खजुराहो से टिकट दे दीजिए, वो खजुराहो और रीवा में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। और इन नेताओं की रुचि इसीलिए थी क्योंकि बड़ी सेफ सीट मानी जाती है। तो इसलिए अब ये देखना होगा कि यहाँ क्या परिणाम निकल कर आते हैं, सेफ सीट पर क्या परिणाम निकल के आते हैं। कहीं ना कहीं एक आप दमोह की बात छोड़ के, दमोह में कांग्रेस के भीतर, क्योंकि दमोह ही ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस के विधायक उस मात्रा में बढ़े हैं जितने बाकी सीटों पर नहीं बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि दमोह में जरूर जो हमने देखा है कि वो करीब से, जबकि वो फ्रिक्शंस नजर आ रहे हैं, वह कांग्रेस के भीतर भी उतने ही फ्रिक्शंस हैं जितने भाजपा के भीतर है। दोनों एक दूसरे के भितरघातियों के भरोसे बैठे हुए हैं। विंध की हमने बात की, विंध में सतना और रीवा की जो स्थिति है वो लगभग सीधी जैसी है कि चुनाव बड़ा फंसा हुआ नजर आ रहा है।
फिर हम अगर हम बात करें होशंगाबाद की, बात करें बैतूल की, बात करें होशंगाबाद में राव उदय प्रताप फंसे मैदान में, उनके सामने नया कैंडिडेट है, बैतूल में दोनों कैंडिडेट नए हैं, तो किस तरह से चुनाव किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए ये मध्य की जो दोनों सीटें हैं होशंगाबाद और बैतूल, मुझे लगता है बीजेपी को यहाँ बहुत मुश्किल नहीं आएगी, और ये मध्य का ट्रेंड भी रहा है, क्योंकि मध्य की सीटों पे ऑलमोस्ट बीजेपी की वेव होती है, मतलब एक तरीके से, और यहाँ मोदी के प्रति बड़ा कमिटमेंट भी देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि होशंगाबाद और बैतूल, हालांकि 2009 में राव उदय प्रताप इसी सीट से कांग्रेस से एमपी थे और 2014 में वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में गए, उसके बाद बीजेपी में हैं, और लेकिन एक बात और है कि यहाँ पर बीजेपी के कई नेता नाराज़ हैं, जिसमें सीताशरण शर्मा जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं वो भी राव उदय प्रताप के टिकट से नाराज़ थे और बहुत ज़्यादा सक्रिय चुनाव में नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद शैलेंद्र दीवान एक नया चेहरा है और वो कितना कुछ कर पाएंगे ये देखना होगा, तो मुझे तो होशंगाबाद और बैतूल दोनों सीटों पर ये लगता है कि वो बीजेपी को के हाथ में ही रहेगी। बुंदेलखंड में थोड़ा टफ है, बुंदेलखंड कुल मिलाकर के टफ है, लेकिन मध्य में कहीं ना कहीं एक भाजपा के पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तब एक सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हम कहें कि जो कांग्रेस के छत्र पे भाजपा की तरफ से शिवराज सिंह चौहान पूरे प्रदेश में कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के छत्र अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अजय सिंह सीधी से बाहर निकल करके सतना तक भी जाने से परहेज कर रहे हैं, कमलनाथ जी अकेले पूरे मध्य प्रदेश को घूम रहे हैं, अजय सिंह के बाद अगर हम बात करें तो खंडवा में उनके जो दूसरे बड़े दिग्गज हैं अरुण यादव वो फंसे हुए हैं, खुद उनके ज्योतिराज सिंधिया वो चुनाव लड़ रहे हैं तो वो भी वहाँ अपने इलाके में, सुरेश पचौरी कहीं नजर नहीं आ रहे, तो दिक्कत क्या है कांग्रेस के भीतर जो छत्रपों का जो हाल है वो तो आपस में ही उलझ के रह गया है, या उनका इंटरेस्ट नहीं है, या उनका वोट में कोई ऐसी हिस्सेदारी नहीं है जिससे वो फर्क डाल सके? देखिए इसमें इसको हमको देखना होगा कि 2 साल पहले जाना पड़ेगा मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में, और वो स्थिति जबकि कांग्रेस पिछले मतलब डेढ़ दशक से सत्ता से बाहर थी, और कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो उसके नेताओं की गुटबाजी थी और सक्रिय ना होना था, लेकिन 2 साल पहले अचानक जिस तरीके से कांग्रेस को ये लगा कि अगर इस बार नहीं तो फिर हम कभी भी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बना पाएंगे, और उन्होंने उसके लिए अपने जो निजी हित लाभ होते हैं उनको किनारे किया, और दिग्विजय सिंह, ज्योतिराज सिंधिया, कमलनाथ, सुरेश पचौरी तमाम नेता एक मंच पर आए, अरुण यादव और कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर सौंपी गई, और उसके बाद आप देखिए कि पार्टी का जो सबसे नकारात्मक पक्ष था गुटबाजी वही उसका सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष हो गया, और पार्टी जो है इन नेताओं के एकजुट होने से बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाई और 114 सीटें लेकर सरकार बना पाई, लेकिन यहीं से फिर परिदृश्य ठीक उलट जाता है, यानी कि उसके बाद आप देखिए कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गए, ज्योतिराज सिंधिया मध्य प्रदेश की सियासत से बहुत दूर हो गए और उनको कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना के यूपी का इंचार्ज कर दिया गया, तो वो यहाँ पर फिर डिपोलराइजेशन हुआ, मतलब फिर से पार्टी जो है उसमें अलग अलग ध्रुव बनना चालू हो गए, जो एक यूनिटी एक जगह पर आकर एकत्रित हो गई थी ताकत भी कांग्रेस की, वो फिर पोलराइज्ड हुई और फिर सिंधिया अलग चले गए, कमलनाथ अलग हो गए, और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच एक जो तादम्य देखने को मिल रहा था शुरुआत के समय में वो भी गड़बड़ाया, और उसके बाद दिग्विजय सिंह का भोपाल से चुनाव लड़ना, तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस की शक्ति को कम करती है, और इस कारण से आप देखिए कि वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई। ये बात जरूर है कि कमलनाथ जी ने सारी सीटों पर जाकर प्रचार किया है, उन्होंने काम किया है, लेकिन वो अकेले कांग्रेस में सबसे बड़ी बात यही है कि सिंगल मैन कुछ नहीं कर पाएगा, वहाँ पर तो यूनिटी से ही मध्य प्रदेश में काम चलेगा, जब ये 4-5 लोग एक हो जाएंगे तो फिर बहुत बड़ी ताकत हो जाएंगे, तो इस चीज़ का असर आएगा कहीं ना कहीं परिणामों पर असर आएगा, इनकी कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हैं, ये दूरियां नुकसान देती हुई तो नजर आएंगी, हम आपको बता देंगे आज के जो दिन भर घटनाक्रम चला है उस घटनाक्रम पर भी एक नजर दौड़ा लेते हैं। खंडवा के हरसूद मतदान केंद्र पर जब पूर्व मंत्री और हरसूद से विधायक विजय शाह वोट करने पहुंचे तो उनका विवाद हो गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई, पुलिस में शिकायत दर्ज हुई और पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की है।
जिसके आधार पर विजय शाह पर 3 धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। हालांकि विजय शाह का कहना यह है कि उन पर सारे आरोप गलत लगाए गए हैं और जिस व्यक्ति से विवाद हुआ वो आपराधिक प्रवृत्ति का था। दूसरी बड़ी खबर जो थी कि दमोह से प्रहलाद पटेल के भाई जालम सिंह पटेल को पुलिस ने हिरासत में लिया, 3.5 घंटे उनको बैठा करके रखा। आरोप है कि जालम सिंह पटेल बिना अनुमति के संसदीय क्षेत्र में घूम रहे थे। हालांकि जालम सिंह ने सफाई दी कि वो पूर्व सांसद चंद्रभान सिंह जो उनके समधी हैं उनकी माताजी का निधन हुआ है उनके घर पर जा रहे थे। एक और बड़ी खबर जो भोपाल से है कि बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा पर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने बड़ा हमला बोला है। स्वराज ने कहा कि भगवा चोला पहन लेने से हर कोई संत नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा कि मैं ढोंगियों के श्राप से नहीं डरती, स्वरा दिग्विजय सिंह का प्रचार करने भोपाल आई थी। ये चारों खबरें किस तरह से देखते हैं आलोक जी, कि एक तरफ मंत्री पूर्व मंत्री के खिलाफ FIR हो जाती है और वो कहता है कि नहीं साहब मेरा तो कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था, दूसरी तरफ एक पूर्व मंत्री वर्तमान में ये दोनों विधायक हैं एक को थाने में बैठा लिया जाता है कि आप बिना परमिशन के संसदीय इलाके में घूम रहे हैं, स्वरा भास्कर आकर के हमला बोल देती हैं प्रज्ञा ठाकुर पर। स्वरा भी JNU से हैं तो क्या स्वरा के खिलाफ भी वही वामपंथी विचारधारा और उस तरह के आरोप लगने शुरू हो जाएंगे? इसमें एक चौथी और खबर आपको अभी ऐड करूंगा और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग मतलब बड़ी खबर है और वो ये है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज इंदौर में थे और उन्होंने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि प्रज्ञा ठाकुर को हेमंत करकरे पर इस तरीके की टिप्पणी नहीं करना चाहिए थी, उनको वो हेमंत करकरे के खिलाफ जो बयान दिया था ऐसा बयान नहीं देना था क्योंकि हेमंत करकरे को शहीद हैं और BJP उनको शहीद का दर्जा देती है। तो ये भी एक और एक नया एपिसोड जुड़ गया है, अब जुड़ गया इसमें एक चीज और, सुमित्रा महाजन भी ये बात बोल चुकी है तो कहीं ना कहीं BJP भी वोट के हिसाब से चल रही है। जी आलोक जी बिल्कुल, और अब जहां तक आपने बात करी विजय शाह और जालम सिंह पटेल की, दोनों मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हैं, BJP के धाकड़ नेता हैं और ये इनका नेचर है, तो इसमें कोई बहुत अप्रत्याशित वाली बात नहीं है कि विजय शाह का अगर के इलाके में चुनाव हो और इस तरीके की कोई खबर ना आए तो इसकी संभावना मुझे नहीं लगती। तो जो उन्होंने किया उस तरीके का होता ही है और चुनाव में ये सब आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। जालम सिंह पटेल की हिस्ट्री हम सभी जानते हैं और जालम सिंह पटेल अगर दमोह में घूम रहे थे और वो नरसिंहपुर के निवासी हैं और दमोह में वो उनके भाई चुनाव लड़ रहे हैं और वो अगर वहाँ घूम रहे थे तो इसमें फिर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता कि वो किसके निधन में वहाँ बैठने गए थे। आज उनको ज़रूरत भी नहीं थी, उनका इतना तो सामान्य ज्ञान होगा ही कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, चंद्रभान सिंह हो या उनके कितने भी करीबी हो, एक दिन छोड़ के चले जाते, कल बहुत ज़्यादा कोई ऐसा आवश्यक नहीं था। वो जाहिर है वो क्या कर रहे थे ये सबको पता है, सबको तो इसलिए ये दोनों से इसमें इसकी इस ये कोई अप्रत्याशित खबर नहीं है। और ठीक है, चुनाव में ये सब चलता रहता है, तो वो उनकी आदत भी है, वो ये सब करते हैं। और स्वरा भास्कर ने जो कहा है तो अभी दो चीज़ें हो गई है जो मैं भोपाल के चुनाव में देख रहा हूँ, जब 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 साध्वी पर बैन लगा उसके बाद से, वो ये हो गया कि कुछ ऐसे लोगों को जो नॉन पॉलिटिकल पर्सन हैं उनको लेकर आना और उनको कैंडिडेट के सपोर्ट में या कैंडिडेट के खिलाफ उनसे बातें कहलवाना। प्रज्ञा के सपोर्ट में आप देख लीजिए कि जो RVS मणि हैं किताब लिखते हैं वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ आके अपनी किताब की समीक्षा करी और उस किताब के अंदर जिसमें कि कांग्रेस के कैंडिडेट दिग्विजय सिंह के बारे में लिखा भी हुआ है और उसके बावजूद तमाम डिबेट हुई, चर्चा हुई और भी तमाम लोग आए, इस तरीके के बहुत सारे लोग आ रहे हैं और वो प्रज्ञा के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है वही अकेली ऐसी किताब है जिसमें दिग्विजय सिंह को सीधे लाया गया है कि जो सैफ्रॉन टेररिज्म जो वर्ड आया वो दिग्विजय सिंह ने दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें किताब में ही लिखा हुआ है और उसमें ये लिखा हुआ है कि साध्वी प्रज्ञा को षड्यंत्र पूर्वक इस आरोपी बनाने में दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम शामिल थे और उन्होंने ये पूरा, और शिवराज पाटिल का भी उसमें नाम आया है। तो ये कुल मिलाकर ये बात है कि इस तरीके के लोगों को लेकर आना, और जैसे आपने आज बताया कि स्वरा भास्कर यहाँ आई थी, उन्होंने प्रज्ञा को बताया कि प्रज्ञा के खिलाफ बात की है,
आज एक फिल्म की लॉन्चिंग हुई है भोपाल में, वो फिल्म भी हिंदू आतंकवाद एक के खिलाफ थे, मतलब कि हिंदू आतंकवाद एक बनाए हुआ षड्यंत्र है इस तरीके की टाइटल पर एक फिल्म आज लॉन्च की गई है यहाँ पर। तो ये सब चल रहा है क्योंकि ये लगने लगा है कि पॉलिटिकल वॉइस बहुत अपील नहीं करेगी इन चीज़ों पर, और अगर हम नॉन गैर राजनीतिक लोगों के जरिए ये बात कहलवाएंगे तो वो लोगों तक ज़्यादा पहुँचेगी। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस काम में इन्वॉल्व हो गए और ये सब उसी का असर है जो सामने नज़र आ रहा है। तो ये भी एक चुनाव का एक रंग है जो हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। चुनाव का एक रंग है। सौरभ भास्कर से जब पूछा गया कि आप प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करने आई, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो एक एनजीओ के कार्यक्रम में आई है। सवाल यही है कि कहीं ना कहीं आप जब एक राजनीति कर रहे हैं तो शायद खुलकर के आना चाहिए। सौरभ ने जिस तरह से आरोप भी लगाए और पीछे भी हटी, तो सवाल ये क्या, एनजीओ के कार्यक्रम में आई थी तो आपको एनजीओ पर बात करनी चाहिए। लेकिन क्या नहीं लगता आलोक जी, ये जो एक गिमिक है, मतलब आप सोशल में पॉलिटिक्स मिला रहे हैं, पॉलिटिक्स में सोशल मिला रहे हैं, पूरा एक कॉकटेल बनाने की जो कोशिश हो रही है वो भोपाल या देश या मध्य प्रदेश की राजनीति को कहीं ना कहीं नुकसान देती है? देखिए, ये भी नया ट्रेंड भी नहीं कह सकते इसको, ये तो शुरुआत हमेशा से रहा है देश हिंदुस्तान में, मतलब हमारे यहाँ की राजनीति में इस तरीके से गैर राजनीतिक लोगों का और संगठनों का उपयोग करना और उनको हमारे साथ जोड़ना। आपको बता दूं कि जैसे कि 2013 के विधानसभा चुनाव में एकता परिषद ने बड़ा रोल प्ले किया था। एकता परिषद गैर राजनीतिक संस्था है और उसने बीजेपी के सपोर्ट में आकर काम किया था और उसके कारण ग्वालियर चंबल में बीजेपी को अच्छा मिला था। तो ये, और इस बार आप देखिए कि अभी कुछ दिनों पहले ही एकता परिषद और सुबारा और तमाम जो इस तरीके के जो लेफ्टिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं वो दिग्विजय सिंह के साथ मंच पर नजर आए थे। इसके अलावा आप जैसे आज आप सौरभ भास्कर की बात कर रहे हैं, इसके और भी तमाम लोग हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, जैसे RVS मणि यहाँ आए, एक फिल्म चल रही है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है और ये सब हमेशा, ये पहले भी ये चुनावों में ट्रेंड रहा है, ये बात जरूर है कि आप ही की बात को मैं जोड़ूंगा। एकता परिषद वाली जो बात आपने कही, एकता परिषद का 2013 में हम देखते हैं रोल, वो बीजेपी के साथ खड़ी होती है। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले वो अपनी एक दिल्ली कूच के ऐलान करती है, मुरैना के पास रुकती है, वहां पर शिवराज सिंह चौहान उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जाते हैं, समझाते हैं, वो रैली नहीं मानती है, राहुल गांधी आते हैं, उस रैली को संबोधित करते हैं और वो खत्म हो जाती है। तो वो एक इशारा था कि इस बार हम चुनाव में कांग्रेस के साथ जा रहे हैं और कांग्रेस को ग्वालियर चंबल में एक अप्रत्याशित लाभ भी मिला। तो ये जो रोल है, ये कहीं ना कहीं एक सवाल तो खड़े करता ही है कि आपकी जो मंशा है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक है। बिल्कुल, देखिए ये चीज, एकता परिषद एक बड़ी ताकत है और ट्राइबल इलाकों में उनका अपना वजूद है और देश भर में, देश के कई इलाकों में और ग्वालियर चंबल में भी उनकी काफ़ी पकड़ है, और खास करके जो शिवपुरी और श्योपुर जिले की जो सीटें हैं, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, इन तीनों जिलों में उनका अच्छा होल्ड भी है विधानसभा में। और आपने देखा होगा कि ऐसा ही 2013 के चुनाव के पहले, यानी 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले भी ऐसा ही हुआ था, और उस समय UPA की सरकार थी और एक बहुत बड़ा मार्च ग्वालियर से शुरू हुआ था, उसमें तकरीबन 1,00,000 लोग शामिल हुए थे, उन्होंने पैदल मार्च किया था, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी और पहले ज्योतिराय सिंधिया ने आकर ग्वालियर में समझाने की कोशिश की थी, उसके बाद जयराम रमेश आए थे, उन्होंने समझाने की कोशिश की थी और ये सब कुछ हुआ था और बड़ा तब ये सरकार के UPA के खिलाफ हुए थे और जैसे BJP को इन्होंने सपोर्ट भी किया था और उसके फल आपको देखने को मिले थे कि जो परिणामों में परिलक्षित हुए थे। और ठीक ऐसा ही इस बार भी हुआ है। तो एक गैर राजनीतिक संस्था, और ऐसी एक संस्था नहीं है, बहुत सारी संस्थाएं, उनकी अपनी ताकत है, उनका अपना होल्ड है, लेकिन उन चीज़ों का उपयोग चुनाव में या राजनीतिक दलों के लिए होता है, ये एक बड़ा सवाल है और ये एक अपने आप में एक डिबेट का अलग विषय हो सकता है कि क्या इन पर भी नज़र रखी जानी चाहिए, क्या इन पर भी नजर रखी जानी चाहिए, इन लोगों पर भी एक सवाल होने चाहिए। और खासकर इसलिए क्योंकि आप जब एक सोशल कॉज की बात करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम आदिवासी और वनांचल के लोगों की हम लिए काम करते हैं, हम उन ट्राइबल्स के लिए काम करते हैं जिनके पास सरकारें नहीं पहुंच पाती, लेकिन आप सरकारों के हिसाब से टूल बन जाते हैं। ये
मुद्दा हो सकता है, ग्वालियर चंबल में अभी भी चुनाव है और अभी भी कहीं ना कहीं 12 तारीख को वहाँ चुनाव होने, तो ये एक मुद्दा है कि एकता परिषद वहाँ किसके साथ खड़ी होगी। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि बुंदेलखंड की अभी एक सीट बची हुई है, आखिर ये कैसा मैकेनिज्म है? ये सवाल नहीं खड़ा करता कि आप आसपास की सारी सीटों पर चुनाव करा लिए, एक बीच का आयरलैंड पोजिशन पर आपने सागर छोड़ दी, तो क्या लगता सागर का चुनाव भी, ये 13 सीटें हो चुकी हैं, इन 13 के बाद 14वीं सीट उस इलाके की है, किस तरह से देखेंगे इसको? देखिए, एक तो थोड़ा सा मुझे तो सवाल इसी पर है कि पहले तो आपने मध्य प्रदेश में 4 चरण में पोल कराने का डिसीजन, मुझे ये समझ नहीं आता कि लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन मध्य प्रदेश में नहीं है कि आप यहाँ पर 4 चरण में इलेक्शन कराओ। 2014 में हमारे यहाँ 2 चरण में इलेक्शन हुआ था और वो पीसफुल इलेक्शन था, उसमें कोई ऐसी इस तरीके की स्थितियाँ नहीं बनी थी कि उसका अनुभव बुरा रहा हो। अभी हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमारे यहाँ जो पोलिंग हुआ पीसफुल इलेक्शन हुआ, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी। तो लोकसभा के चुनाव में 4 चरणों में चुनाव कराना, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने डिवाइडेशन किया वो भी मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि पहले में आपने महाकौशल के साथ विंध की 2 सीटों को जोड़ लिया, फिर दूसरा जब फेज आया तो उसमें आपने विंध की 2 सीटें जो बची हुई 2 सीटें थी, तो क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्शन आता, आप शहडोल और सीधी में जो पोल हुआ था या जो जो वोट पड़ा होगा उसका वाइब्रेशन सतना और रीवा में आएगा, क्योंकि वो कनेक्टिंग है, यानी कि हम शहडोल सीधी रीवा सतना इन 4 सीटों को कनेक्शन में देखेंगे। फिर हम बात करेंगे बुंदेलखंड की, तो अब आपने बुंदेलखंड की 3 सीटें ले ली, अब जो सागर सीट है वो बिल्कुल कनेक्टिंग है खजराव। अब आप ये सोचिए कि सागर जिले की ही या की ही कुछ विधानसभा सीटों में, 3 विधानसभा सीटों में जो दमोह में आती उसमें आज पोल हो गया, तो क्या जो विंध के में हुआ है या जो दमोह में जो पोलिंग आज हुई होगी उसकी वाइब्रेशन सागर लोकसभा सीट पर नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। और फिर हम बात करें कि मध्य की, तो मध्य की जो 2 सीटें आपने यहाँ शामिल की है, क्या वो फिर जो मध्य की बाकी सीटें यहाँ बचती हैं जिसमें भोपाल और विदिशा सीट आ रही है, तो क्या भोपाल और विदिशा पर उसका वाइब्रेशन नहीं आएगा? तो इस तरीके से जो जिस तरीके से इन्होंने काटा है स्टेट को वो ठीक नहीं था, उसकी बजाय अगर ये 2 चरण में कराते, एक बार आप ईस्टर्न एमपी करा लेते, एक बार आप वेस्टर्न एमपी करा लेते, जो कि 2014 का मॉडल था, मेरे ख्याल से वो सफल रहता, वो ज़्यादा सफल होता। खैर वो तो एक अब चुनाव आयोग ने कर दिया, अब अगले अभी 2 चरणों में भी है कि आप फिर 2 टुकड़ों में आप कर रहे हैं, अभी ग्वालियर चंबल और मध्य की कुछ सीटें होंगी और आखिरी बार में जो आखिरी चरण होगा 19 तारीख का उसमें पूरा मालवा का इलाका होगा, तो चलो मालवा एक साथ आएगा कॉम्बो में, तो शायद एक अपना एक मैंडेट देगा। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार है उसकी एक अपनी जो गति दिख रही है, एक बीजेपी का जो चुनाव प्रचार है, दोनों चुनाव प्रचार को कैसे देख रहे हैं, किसको फायदा होते हुए नजर आ रहा है? जैसे हम भोपाल सीट की बात करें तो पूरी बीजेपी की ताकत अब भोपाल सीट पर लग गई है, तो आखिर ऐसी वजह क्या है? देखिए, एक बात तो ये है कि बीजेपी ने भोपाल को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है, और दिग्विजय सिंह जिस तरीके से मेहनत कर रहे थे शुरू में और जिस तरीके से उन्होंने घूमा है और पूरी ताकत लगाई है, आप ये भी जानते हैं कि 30 साल से लगातार भोपाल बीजेपी के पास में है, और प्रज्ञा सिंह को यहाँ से उतारा और वो चाहते हैं कि प्रज्ञा सिंह को जिता कर कहीं ना कहीं एक मैसेज पूरे देश भर में देना चाहेंगे, क्योंकि जो हार्डकोर हिंदुइज्म है उसको भी लेकर और दिग्विजय सिंह के खिलाफ, और एक जो लड़ाई चल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो वैचारिक स्तर पर जो लड़ाई है, उस लड़ाई को भी बनाने के लिए, उसको सरफेस पे लाने के लिए प्रज्ञा का जिताना बहुत ज़रूरी है। और अब आप देखिए कि जो ये सेकेंड फेज मध्य प्रदेश का समाप्त होते 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 अब आप देखिए कि भोपाल में सभी बड़े नेताओं का जमावड़ा है। आज 4 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के, देश में कुल 11 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के हैं, जिसमें से पाँच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आज मध्य प्रदेश के अंदर हैं, और वो बीजेपी के लिए यहाँ पर जमीन तैयार कर रहे हैं, कोई प्रचार कर रहा है, कोई कमरे में बैठ कर रणनीति बना रहा है, लेकिन ताकत पूरी लगा दी है। आज भी आप देखिए कि अनिल जैन यहाँ आए हुए हैं, 8 तारीख को अमित शाह रोड शो करेंगे भोपाल में, उसकी तैयारी को लेकर जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो यहाँ हैं, फिर ओम प्रकाश माथुर जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो यहाँ पर है, विनय सहस्त्रबुद्धे यहाँ डेरा डाले ही हुए हैं, फिर आप देखिए कि प्रभात झा की यहाँ ड्यूटी लगा रखी है, शिवराज सिंह दौड़ रहे हैं, उमा भारती प्रचार कर रही हैं, रामलाल आते हैं, और रामलाल
जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं और बीजेपी में नंबर टू के ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो नंबर टू के नेता माने जाते हैं पूरे देश में, वो भोपाल आते हैं और भोपाल में विधायकों की बैठक लेते हैं और पार्षदों की एक बैठक लेते हैं। जी, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इतना बड़ा नेता आकर के पार्षदों की बैठक ले रहा है, तो कुल मिलाकर के चुनाव किस माइक्रो लेवल पर ले जाने की कोशिश है, ये वाकई में आलोक जी हम समझना चाहेंगे। बिल्कुल, ये इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण यही है कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने इस सीट को बहुत गंभीर कर दिया, उनकी लड़ाई तो टफ है और दिग्विजय सिंह आप ये भी जानते हैं कि जो विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें भी हम देख लीजिए कि मध्य और दक्षिण पश्चिम और उत्तर, ये तीन सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को यहाँ पर मिली है, तो वोट भी यहाँ पर कांग्रेस के पास गया है और दिग्विजय सिंह का टिकट बहुत पहले डिक्लेयर हो गया था और उसके बाद में यहाँ पर बाद में साध्वी प्रज्ञा का हुआ और बीजेपी को एक डर और है कि यहाँ जो लोकल लीडर्स हैं वो प्रज्ञा को कितना सपोर्ट करेंगे उसको लेकर बहुत संशय की स्थिति है, क्योंकि जो MLAs हैं और वो बहुत ज़्यादा उस भूमिका में नज़र नहीं आ रहे जिस भूमिका में उनको आना चाहिए, इसीलिए रामलाल को यहाँ आके विधायकों को और पार्षदों को समझाना पड़ा या उनको ही बताना पड़ा कि आप अगर काम नहीं करेंगे तो आगे आपके टिकट, मतलब वार्निंग देना पड़ी कि आगे आपके टिकट पर सवाल खड़ा हो सकता, मतलब पार्षदों से तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि दिसंबर में फिर नगरीय निकाय के चुनाव भी आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको क्या कुछ करना है, तो पार्टी को इस लेवल पर आकर काम करना पड़ रहा है। और जबकि बीजेपी, ये भोपाल सीट जो है बड़ी सेफ सीट मानी जाती है, तो इंटरेस्टिंग तो हो ही गया है यहाँ का चुनाव, ये सब देखकर तो लगता है कि बड़ा रोचक चुनाव भोपाल में होगा। रोचक चुनाव भोपाल में होगा क्योंकि लगातार भोपाल के पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, भाजपा अपने लोगों को कह रही है कि आपके काम का आकलन आपके बूथ से होगा, कांग्रेस अपने लोगों को कह रही है कि आपके काम का आकलन आपके बूथ से होगा। अब सवाल यही है, बूथ से जीतेगा एक लेकिन काम के आकलन दो लोगों का होना है, तो मेहनत इसी बात पर हो रही है। आलोक जी, एक लाइन में जवाब चाहते हैं कि 13 सीटें चुनाव, 13 सीटों पर मतदान हो चुका है, अगर हम इसमें कहें तो ये क्या अंदाजा लग रहा है कि आखिर किसके पाले में कितनी सीटें जा सकती हैं? मुझे लग रहा है कि 9 या 10 सीटें बीजेपी के पास जाएगी और तीन मान के चलता हूं मैं कि तीन तो भी कांग्रेस को आ सकती है, इसमें तीन सीटें कांग्रेस को आ सकती हैं। कुल मिलाकर के चुनाव पूरी तरह से इस समय मध्य प्रदेश में अपने पूरे उफान पर है, हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, आज दूसरे चरण का मतदान पूरा हो गया है, वोट परसेंटेज ऑन एन एवरेज 8% बढ़ा है और ये 8% वोट किसके खाते में जाएगा, खासकर बुंदेलखंड में तो तकरीबन 10-12% वोट बढ़ा है तीनों सीटों पर, विंध्य में कम हुआ है, विंध्य का नुकसान साफ साफ नजर आ रहा है कि यह भाजपा को नुकसान करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बाकी सीटों पर बढ़ा हुआ वोट भाजपा के फायदे का सौदा भाजपा के अंदर खाने से आवाज जो आ रही है वो कह रही है कि बुंदेलखंड में हमें एक बार फिर से मदद मिलती नजर आ रही है, जो 10-12% का वोट गेन हुआ है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए अगली और खबरों पर, हम लगातार आपको बताएंगे, नए अपडेट देंगे, हम बने हुए हैं अपनी वही खबर, दिल्ली के दावेदार कौन, आखिर कौन जाएगा मध्य प्रदेश से दिल्ली की सत्ता में और कौन रह जाएगा मध्य प्रदेश की गलियों में, तो आप बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। आलोक जी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।